नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार टू चैट। सपा सांसद का बीजेपी पर हमला। सपा के कद्दावर नेता धर्मेंद्र यादव का बीजेपी सरकार पर हमला। हर मोर्चे पर बीजेपी सरकार को बताया फेल। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और बदायूं के सांसद धर्मेंद्र यादव ने संभल समाजवादी पार्टी की एक जनसभा में बीजेपी सरकार को हर मोर्चे पर फेल बताते हुए बीजेपी सरकार पर बड़ा हमला बोला है। बदायूं के लोकप्रिय सांसद तथा समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता धर्मेंद्र यादव ने संभल के गुन्नौर विधानसभा क्षेत्र में हुई एक जनसभा में बोलते हुए कहा कि बीजेपी सरकार 4.5 साल पहले जनता से अच्छे दिनों का वायदा करते हुए किसानों को कर्ज माफी, फसल का उचित समर्थन मूल्य, गन्ने के बकाया भुगतान, युवाओं को रोजगार, महंगाई कम करने जैसे तमाम वादे किए थे, लेकिन बीजेपी सरकार के जनता से किए वादे सभी झूठे निकले। ऐसी सांसद धर्मेंद्र यादव ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि आज प्रदेश में हालात यह है कि फर्जी एनकाउंटर किए जा रहे हैं, पुलिस पिट रही है, बीजेपी नेताओं के दबाव में प्रशासन पूरी तरह पंगु है, प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त है। जनसभा के बाद पत्रकारों से बातचीत के दौरान एसपी सांसद ने 3 तलाक देने पर 3 साल की सजा के प्रावधान की बीजेपी की मांग करते हुए कहा कि बीजेपी का 3 तलाक का मुद्दा सिर्फ मुस्लिम परिवारों में फूट डालने के लिए है। समाजवादी पार्टी 3 तलाक देने पर 3 साल की सजा के प्रावधान की मांग का विरोध करती है। समाचार टू जेट के लिए संभल से उमेश यादव की रिपोर्ट। सिवाय झूठ बोलने के, सिवाय नफरत फैलाने के, सिवाय भाई से भाई को कैसे लड़ाएं, भाई से भाई को कैसे नफरत फैलाएं और वोट पाने केवल इसके अलावा भाजपा ने कभी कोई दूसरा काम नहीं किया है। याद करो 5 साल पहले क्या क्या बातें हुई थी, क्या कहा था भाजपा के लोगों ने, अच्छे दिन आएंगे, महंगाई कम होगी, नौजवानों को रोजगार मिलेगा, किसानों का कर्ज माफ होगा, किसानों की आमदनी दूनी होगी, समर्थन मूल्य 1.5 गुना होगा, सीमाओं पर सुरक्षा बढ़ेगी, सैनिकों का सम्मान बढ़ेगा,